हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डाइबल एच की, जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड स्टूडेंट, जिसका एक सिलेक्टिव रिडक्शन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले बताया था कि आपको हर एक के साथ एक टैग डालना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इस्तेमाल कहाँ होता है। जैसे रोजनमंड आते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि सीओ सीएल को हमने सीएचओ में कन्वर्ट करना है। स्टीफन रिडक्शन आते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि भाई सीएन को हमने सीएचओ में कन्वर्ट करना है। इसी तरह डाइबल एच किस किस काम आता है स्टूडेंट, आपको याद रखना चाहिए। डाइबल एच इस्तेमाल करते हैं हम सीएन को सीएचओ में, यानी कि साइनाइड से हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए भी करते हैं। इसी का इस्तेमाल हम स्टूडेंट एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के काम में लाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सरप्राइजिंग होंगे कि डाइबल एच इवन क्या करता है कि एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अगर हम फर्दर एडिशन कर देते हैं तो उनको प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में भी कन्वर्ट करता है। क्लोराइड जो आपका रोजनमंड रिडक्शन में कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, वहां पे भी डाइबल एच का इस्तेमाल हो जाता है। तो मैं वो सारी रिएक्शन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहे। तो बात करते हैं डाइबल एच, पहले हम इसको खोल के लिखते हैं कि डाइबल एच है क्या स्टूडेंट। तो फुल फॉर्म इसकी क्या है वो आप मेंशन कर ले अपने आप, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, वो मैंने आपके यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो डाइबल क्या होता है एच स्टूडेंट, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आइसोब्यूटाइल है तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता ही है कैसे बनेगा, यह आइसो ग्रुप लगा दिया मैंने, फोर कार्बन है तो ब्यूटाइल है, तो ये आइसो ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। अब डाई कह रहा है तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, ट्वाइस, फिर कह रहा है एल्यूमिनियम और हाइड्राइड, तो ये हमारा बन गया डाइबल एच। डाइबल एच क्या करता है स्टूडेंट, हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, आपके साइनाइड को एल्डिहाइड में और एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, कैसे वो हम देख लेते हैं। हम बात करते हैं कि भाई डाइबल एच का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट मान लो मैंने लिया अल्काइल साइनाइड, मैं सिर्फ मैकेनिज्म आपको समझा रहा हूं, सेम वैसे ही चलेगा जैसे स्टीफन रिडक्शन में था। तो अल्काइल साइनाइड में हम क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन ऐड करते हैं, रिडक्शन करते हैं। अभी हाइड्रोजन कहां से आया, डाइबल एच से, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये पहले किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है इमाइन में, इट फर्स्टली कन्वर्ट इन टू इमाइन, जो मैंने कल बताया था जब डबल बॉन्ड आया था तो आइमाइन बोलते हैं इसे। और इसके अंदर हम वहां पे हमने बॉइलिंग वाटर डाला था, यहाँ पे हम सिंपल वाटर ऐड करते हैं और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आर सी एच ओ एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में आपका क्या स्टूडेंट रिलीज हो जाता है, अमोनिया, अमोनिया यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है और ये हमारे पास बन जाता है एल्डिहाइड। तो आप इसको अब आर ग्रुप को चेंज करके फटाफट आप खुद रिएक्शन लिखें ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सी एच थ्री सी एन, और इसको कन्वर्ट करिए फटाफट अपनी कॉपी पे सी एन, यानी ये दोनों के लिए है। यहाँ पे फिर इम्पोर्टेंट बात आ गई कि एलिफेटिक के लिए भी है और एरोमेटिक के लिए भी है, तो फटाफट आप कर दीजिए फटाफट, शाबाश। आपने कर दिया होगा तो आप देख रहे होंगे कि जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी एस थ्री सी एच ओ, और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, सी एच ओ, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। तो बेंजो साइनाइड से बेंजल्डिहाइड, मिथाइल साइनाइड से आपका एसिटल्डिहाइड। तो ये आप कन्वर्जन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर लिखना कैसे है, आपने यहाँ पे आप मेंशन करेंगे डाइबल एच और यहाँ पे दूसरा क्या ऐड करेंगे, वाटर। तो दो स्टेप में आपको ये सारा कुछ क्या करना है, मेंशन करके दिखाना है। अब हम इसका थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। अब एग्जाम में अगर हम बात करें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिशन में बात करें किस टाइप से आता है, तो आपको एक रिएक्शन दे देंगे इस टाइप से और डाइबल एच दे दिया और वाटर दे दिया, कहेंगे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, जो आपको याद रखने वाली बात है कि डाइबल एच क्या करेगा, केवल साइनाइड ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि सिलेक्टिव रिडक्शन करता है, ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, यानी इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अब आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट, एमी, ट्रिपल बॉन्ड जहां पे है वहीं पड़ा, डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, और जहां पे सी एन है वहां पे आप केवल क्या कर देंगे, सी एच ओ, दैट इज योर कन्वर्जन। कैसे वो आपको बताया दिया, डाइबल एच और सेकंड स्टेप में आप क्या डालेंगे, वाटर की एडिशन कर देंगे। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, मगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ रखी वो क्या करेगा, ट्रिपल ए डबल बॉन्ड को भी डिस्टर्ब कर देगा, ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आपको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी कहा था ये एस्टर को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, किसमें, एल्डिहाइड में। तो मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, आपके पास यहाँ पे एस्टर है,
डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा मगर एस्ट्रो करेगा। कैसे याद करते हैं, याद करने की टेक्निक बता रहा हूं फ्रेंड, यहां पे जहां पे भी एस्ट्रो होगा वहां पे आप क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। यहां पे एच आ जाएगा और यहां पे भी एच आ जाएगा, अगर दोनों जगह एच आएगा तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा फ्रेंड, एम ई डबल बॉन्ड सिंगल सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया एल्डिहाइड, और प्लस में क्या बन जाएगा सी टू एच फाइव ओ एच। तो यहां पे हम बात करें एस्टर के केस में, तो एस्टर केस में डाइबल एस से क्या बनता है, एक तो एल्कोहल बनता है जो भी एस्टर में ओ के साथ ग्रुप लगा होगा, प्लस आपका जहां पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वहां पे क्या बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आप बड़े आराम से इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करता। इसी तरह जैसे मैंने अभी हमने पहले हमने रोजनबर्म डिडक्शन में बात की थी कि ये एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, इसी तरह अगर आप इसमें डाइबल एच का इस्तेमाल करते हैं डाइबल एच तो ये भी इसमें कन्वर्ट कर देता है इसको एल्डिहाइड में। ये इसकी एक्स्ट्रा मैं आपको एप्लीकेशंस बता रहा हूं जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा और कहां पे डाइबल एच का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट डाइबल एच डाल देंगे। अब ये क्या करेगा हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम अगर कीटोन में डाइबल एच फर्दर डाल देते हैं तो वो उसको सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह अगर एल्डिहाइड है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं सी एच ओ ग्रुप को ओपन करके लिख देता हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां एड हो जाएगा, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ओ एच सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री, तो आपको क्या बन जाएगा स्टूडेंट प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। तो समझने वाली बात क्या है कि कीटोन से हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा डाइबल एच डालेंगे तो, और एल्डिहाइड से क्या मिलेगा हमें प्राइमरी एल्कोहल। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की है डाइबल एच के बारे में कि डाइबल एच का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं। मैं एक बार दोबारा समअप कर देता हूं, एल्डिहाइड साइनाइड को एल्डिहाइड में, एस्टर को एल्डिहाइड में, अगर एल्डिहाइड में डालते हैं प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन में डालते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल, एसिड क्लोराइड में डालेंगे तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इन सब जगह पे मैं डाइबल एच एक सिलेक्टिव रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप की एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।